जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों ने आज सेना के दो वाहनों पर हमला किया है। इस हमले में सेना के तीन जवान शहीद हो गए हैं और तीन जवान घायल भी बताए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां जबरदस्त फायरिंग चल रही है। सेना के मुताबिक आज दोपहर सेना के दो वाहन सैनिकों को ऑपरेशन साइट पर लेकर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने फायरिंग की। सेना ने भी आतंकियों पर फायरिंग का जवाब दिया। और क्या समय स्थिति है, आई सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पे? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है, सेना आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। डेरा की गली जो इलाका है वो सुरनकोट और थन्ना मंडी के बीच पड़ता है, बहुत घने जंगल है, पीर पंजाल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और वहाँ नाले कुछ इस तरह के कि बहुत लंबे लंबे गुफा है और वहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यानी आप तकरीबन कई जगहों पर 30 किलोमीटर है, कई जगहों पर 20 किलोमीटर है। बहुत डिफिकल्ट इलाका है, बहुत मुश्किल इलाका है, घने जंगल है। वहाँ सेना को जब आतंकियों के छिपे होने के बारे में खबर लगी तो उसके बाद सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उसी दौरान जो है सेना का बांध से जब कुछ ट्रूप्स वहाँ मोबिलाइज किया जा रहा था तो उसी दौरान जो घात लगा के आतंकी बैठे हुए थे उन्होंने हमला किया। सेना का ये कहना है कि बेशक शुरुआती उनका नुकसान जरूर हुआ है लेकिन जिन आतंकियों ने इस तरह की कायराना हरकत किए उनको करारा जवाब दिया जाएगा। पूरे इलाके की घेराबंदी सेना ने कर ली है और सेना का ये कहना है कि उन आतंकियों को मार गिराया जाएगा जिन्होंने ऐसी हरकत की है। जी, नज़र बनाए रखें। धन्यवाद राजीव इस जानकारी के लिए।